अब काफ़ी सारे ज़िले जैसे करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, रोहतक और झज्जर, इन ज़िलों को ग्रुप ए ज़िलों में ऐड कर दिया गया है और उसकी नई गाइडलाइंस निकाली गई हैं। एक तरीके से कहा जाए तो पार्शियल लॉकडाउन लगाया गया है। अब इस लॉकडाउन में क्या क्या प्रावधान रहेंगे, कई सारी चीज़ों को लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स थे, तो वो हमने सरकार से भी बात की है अभी हाल ही में और मैंने पूछा है और उनसे कई काफ़ी सारी चीज़ों की क्लैरिटी आ गई है। एक जो इसमें सबसे प्रोमिनेंट चीज़ मैं एक एक करके बताते जाता हूँ, चार पांच मुख्य मुख्य चीज़ें हैं। एक तो ये कि सिनेमा हॉल जो है वो पूर्णतया बंद रहेंगे, मल्टीप्लेक्स हॉल, सिनेमा हॉल्स ज़िले में तो वो बंद रहेगा। दूसरा, जितने भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हैं, स्टेडियम्स हैं, स्विमिंग पूल्स हैं, ये भी बंद रहेंगे क्योंकि यहाँ भी लार्जर गैदरिंग की आशंका है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो जो दफ्तर में लोग आएंगे, चाहे वो कर्मचारी हों, अधिकारी हों, पब्लिक हों, वैक्सीनेशन के साथ ही आएंगे। साथ ही पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं, प्राइवेट बसें हैं, बाकी और सुविधाएं भी हैं, सरकारी सुविधाएं, उन सब में वैक्सीनेशन को चेक किया जाएगा। बार्स और रेस्टोरेंट्स हैं वो 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। और जो जो सबसे क्रिटिकल पार्ट वो ये है कि जो मार्केट एरिया है हमारा वो 6 बजे बंद हो जाएगा। उसमें मैं थोड़ा सा, सबसे ज़्यादा लोगों को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन थी, तो 6 बजे जो हमारे मार्केट्स हैं, जो मेजर मार्केट्स हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं शहर की बात करूं, तो जैसे करण गेट मार्केट हो गया, कुंजपुरा मार्केट हो गया, सेक्टरों के मार्केट हो गए, जो जो हमारे मार्केट एरियाज हैं वो 6 बजे बंद कर दिए जाएँ, उनकी शॉप 6 बजे बंद कर दी जाएँ। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, इसमें कुछ अपवाद हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर जो इसेंशियल सप्लाईज़ हैं, जैसे दूध की दुकान है, मेडिकल शॉप्स है, ग्रोसरी शॉप्स हैं यानी किराने की दुकानें, पेट्रोल पंप्स हैं, ये तीन चार अपवाद हैं, एक्सेप्शंस हैं जो 6 बजे के बाद भी खुली रह सकती हैं। फॉर एग्जांपल मेडिकल शॉप्स जो है पूरी 24 आवर्स आपने देखी होंगी खुलती हैं ऑलमोस्ट कई सारी दुकानें, उसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इन इसेंशियल चीज़ों को छोड़ करके बाकी सारा मार्केट ये एक्सपेक्टेड है कि 6 बजे बंद कर दिया जाएगा। जो होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं जो मार्केट एरियाज़ में हैं वो बंद रहेंगे, लेकिन जो स्टैंड अलोन है, होटल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, वो 11 बजे तक चल सकते हैं 50% क्षमता के साथ। तो एक अगेन इसमें जो एक बड़ा कन्फ्यूजन जो बीच में आया था, जो हमने सरकार से क्लैरिफिकेशन ली है कि जो मार्केट एरियाज़ में होटल्स रेस्टोरेंट्स हैं वो बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि जब पूरी मार्केट बंद होगी तो स्वाभाविक है वो भी बंद हो जाएँ ताकि लोगों की आवाजाही ना हो। लेकिन जो स्टैंड अलोन होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, बार्स हैं, ढाबे हैं, वो जो है 50% कैपेसिटी के साथ, सिर्फ 50% कैपेसिटी के साथ चलेंगे। इसके अलावा जो पहले वाले प्रावधान हैं वो नियमानुसार लागू रहेंगे। जो मैरिजेज़ हैं फॉर एग्जांपल अगेन, तो शादियों का धार्मिक जो जुलूस निकाले जाते हैं उन सब की क्षमता है, मैरिजेज़ में 100 आदमी से ज़्यादा लोग ना जाएं, रिलीजियस उसमें 50 लोगों से आदमी ज़्यादा शरीक ना हो, लेकिन वो 11 बजे तक ही चल सकते हैं, उसके बाद वो चलने की उनको अनुमति नहीं होगी। तो जिम्स भी बंद रहने वाले हैं। जिम्स की जो है वो सिर्फ वैक्सीनेशन, सो वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो जिम में जा सकते हैं 6 बजे तक, तो 6 बजे तक जिम ओपन होंगे, सिर्फ वैक्सीनेटेड लोग ही उसमें जा सकते हैं। सर, बाजारों की, मिठाई बाजारों दुकानों की के लिए क्या आदेश है सर? जो मिल्क शॉप, जो अपना डेयरी वाली शॉप्स आई हैं उनके साथ साथ ही मिल्क शॉप्स, जो मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं उनके शॉप्स का भी इंक्लूडेड है, क्योंकि उनके जो कई सारे आइटम्स पेरिशेबल होते हैं, ख़राब हो जाने वाले होते हैं, तो वो भी जैसे दूध की दुकानें 11 बजे तक या जिस भी समय तक खुलेंगी उसी प्रकार से जो दूध से संबंधित प्रोडक्ट्स हैं उनकी शॉप भी उसमें मिठाई की दुकान और सब्जी कंफेक्शनरी मंडी भी 11 बजे तक खुल सब्जी सर, हाईवे के होटल खुले रहेंगे सर, 11 बजे तक, 11 बजे कुरियर सुविधाएं मंदिर खुली रहेंगी, इसेंशियल सर्विसेज धार्मिक स्थल, मंदिर, गुरुद्वारे, मंदिर गुरुद्वारे 6 बजे बंद हो जाएं और उसमें भी कैपेसिटी जो है 50 लोगों से ज़्यादा की ना हो, और वो भी परमिशन के साथ। सर, इंडिविजुअल मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन एक इसमें सिंपल सा बाइफरकेशन है, स्टैंड अलोन शॉप्स, अगर कोई अकेली दुकान है, फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक ही दुकान है, वो चल सकती है, स्टैंड अलोन शॉप्स 11 बजे तक चले, उसमें कोई दिक्कत नहीं सब्जी है। मंडी में लेकिन मार्केट एरियाज जो है वो 6 बजे तक बंद हो जाएं। जो आपने नुक्कड़ की बात की उसमें ज़्यादातर दुकानें किराने की होती हैं, वो एनीवे जो है 6 बजे के बाद भी उनको तो खुलने की सब्जी मंडी के इजाज़त लिए है। क्या सब्जी आदेश रहेगा मंडी जो के मुगल लिए क्या कनाल है, पे लगती है शाम को 6 बजे के बाद में? सब्जी मंडी हम जो है अभी तो 6 बजे तक ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे, क्योंकि वो दैट इज़ पार्ट ऑफ मार्केट प्लेस, तो 6 बजे के बाद कोई सब्जी मंडी नहीं लगेगी। जो मुख्य हमारी सब्जी मंडी है जो अनाज मंडी के पास में लगती है, उसका भी पिछली बार की तरह व्यवस्था की जाएगी, उसकी हम अरेंजमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से
शहर के सेक्टर्स में उनको बांट करके, वार्ड वाइज बांट करके घर घर तक पहुंचाई जाए। और एक चीज़ मैं और क्लैरिफाई करूं कि होम डिलीवरी पे कोई प्रतिबंध नहीं है। होम डिलीवरी जो भी चीज़ें 6 बजे बंद हो रही हैं, अगर होम डिलीवरी 11 बजे तक की जाए तो मार्केट जो है उसमें लगभग सुबह 9-10 बजे खुल जाती हैं, तो 6 बजे तक यानी 8-10 घंटे पर्याप्त समय होता है कि वो अपनी बिक्री करें, तो उनका बिजनेस भी प्रभावित ना हो, लेकिन 6 बजे के बाद लोग अननेसेसरीली घूमे भी ना, इसलिए ये आदेश आए हैं। सरकारी बसें चलेंगी, लेकिन हम रिस्ट्रिक्टेड जब जरूरत होगी उसी समय चलाएंगे। सरकारी बसों में सिर्फ वैक्सीनेशन दिखा करके लोग बैठ सकते हैं। सलून का चूंकि गैर जरूरी कार्यों में है तो 6 बजे तक खुलेंगे। रेडी वालों के लिए सर शाम के 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद, 6 बजे के बाद और कोई भी एक्टिविटी जो जरूरी नहीं है वो अलाउड नहीं होगी। लिकर के अंदर लिकर शॉप 6 बजे बंद हो जाए। स्कूलों पे हमने बच्चों को विशेष परमिशन दी है, सरकार ने भी दी है कि वैक्सीनेशन के पर्पज से बच्चों को, 15 साल से ऊपर वाले बच्चों को, मोस्टली ये बच्चे हाई स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में ही होते हैं, तो उनको स्कूल बुलाने की इजाज़त दे दी गई है। इनफैक्ट हम बुला भी रहे हैं, हमने शेड्यूल बनाया हुआ है, ब्लॉक वाइज बच्चों को बुला रहे हैं और वैक्सीनेट कर रहे हैं। सारे विभागों को दे दिया गया है। पुलिस में भी जहाँ तक मुझे अंदाजा है less than 10% लोग बचे हैं जिनकी होनी रहती है, और वो भी इन प्रोग्रेस है। देखिए जी, लिकर शॉप्स कोई जरूरी कार्य में तो आती नहीं है, तो 6 बजे तक खुलेंगे, उसके बाद अगर कोई खोलेगा तो कार्रवाई। स्टाफ को स्कूल कोई अपना बुला रहा है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी भी अलाउड हैं। उसमें अगर संख्या टीचर्स की 100 से बढ़ती है तो वो अपना डिस्टेंसिंग उस हिसाब से करें। मुझे आई डाउट कि एक आध स्कूल में कोई ऐसी स्थिति बनती होगी, नहीं तो आमतौर पर स्टाफ 100 से ज़्यादा होना नहीं चाहिए। अगर किसी का है भी तो हमसे परमिशन ले ले और डिस्टेंसिंग के साथ चालू रखें।